हेलो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका एक और नई वीडियो में वापस से। सभी चाहते हैं जो इंडिया है वो नॉइस फ्री और पोल्यूशन फ्री बने। मोदी जी भी चाहते हैं कि जो इंडिया की सड़कें हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और थ्री व्हीलर्स फोर व्हीलर्स रन करें, जिससे हमारे इन्वायरमेंट में भी साफ सफाई आए। और जो बढ़ते तेलों के दामों को देखते हुए भी व्यूअर्स और बायर्स इलेक्ट्रिक की तरफ और ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो इसी के चलते हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इलेक्ट्रिक स्कूटी। बजाज चेतक जैसे, आई क्यूब जैसे जो स्कूटर्स हैं वो 1 लाख 1.5 लाख के मार्क को आसानी से क्रॉस कर जाते हैं। इसीलिए जो हमारे व्यूअर्स हैं, बायर्स हैं, उनकी जो पॉकेट है, उनका जो बजट है, वो उनको अलाउ नहीं करता कि वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटी बाय करें। तो उन्हीं के लिए हम तुनवाल कंपनी की तरफ से आज एक मॉडल लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके बजट में फिट रहेगा, आपकी फैमिली में फिट रहेगा, उसको कोई भी चला सकता है। आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, आपके बच्चे नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उस स्कूटी को। इस रिव्यू के लिए हम आए हैं पर्ल ऑटो इलेक्ट्रिक। इंडिया में ओनली पर्ल ऑटो इलेक्ट्रिक एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो आपको एक छत के नीचे 30 से भी ज़्यादा मॉडल प्रोवाइड कराता है, जिसमें फेमस कंपनीज जैसे हीरो, किनावा के भी मॉडल शामिल हैं। तो अब और बातें ज़्यादा ना करके जो हमारी मेन स्कूटी है, जो वीडियो के लिए जिसके हम आए हैं, उस पर फोकस करते हैं। तो ये है तुनवाल की कंपनी की तरफ से आने वाला, तुनवाल कंपनी का सबसे बेस मॉडल, जिसका नाम है स्पोर्ट 63 मिनी। तो ये है हमारी आज की स्कूटी जिसका हम करेंगे रिव्यू। अगर आप इसके ओवरऑल लुक्स के बारे में अगर बात करें हम, तो इसमें जो मेन हाईलाइट है इसकी लुक्स को देखते हुए, ये है इसकी हैवी मोटे वाली एसेसरी। आप इसकी मोटे वाली एसेसरी के साथ इसको, इसकी लुक्स को स्टाइलिश तो नहीं पर एक्सेप्टेबल कह सकते हैं। बाकी जो ये मोटे वाली एसेसरी है, ये दिखने में काफ़ी हैवी है, जो आपको एक्सीडेंशियल स्टेट पे काफ़ी अच्छा प्रिवेंशन भी प्रोवाइड करेगी। इसमें आपको कंपनी की तरफ से 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं। ये अभी हमारे पास ग्रे है, बाकी इसमें एक रेड, एक ब्लू, एक वाइट कलर ऑप्शन और आते हैं। चारों ही कलर इसके काफ़ी जेन्युइन हैं। इसमें फ्रंट में आपको अगर लाइट्स की बात करें तो LED हेडलैम्प के साथ फोग DRLs भी मिलते हैं, जो आपको रात के समय अच्छी खासी विजिबिलिटी के साथ LED लाइट होने के कारण लॉन्गर ड्यूरेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इसके टैकोमीटर की, जो इसका डिजिटल मीटर है, उसकी बात करें तो आपको कंपनी से ही इसमें फुली डिजिटल मीटर फिटेड मिलता है, जो इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेटली प्रोवाइड कर देता है, जिसमें किलोमीटर से रिकॉर्डिंग और स्पीड और बैटरी अवेलेबल की सारी जानकारी आपको अच्छी खासी एक्यूरेटली मिल जाती है। शॉकर्स जो हैं इसमें, वो आपको कंपनी से ही काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिल जाते हैं, जिसमें जो आपकी सिटी राइड्स होती हैं, जो सिटी बम्प्स होते हैं, उनको आप काफ़ी अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं इन शॉकर के साथ। और जो बाकी हम आपको बता दें कि जो फ्रंट है, फ्रंट में आपको इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, और रियर जो है उसमें हाइड्रोलिक स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन मिल जाएंगे। कम्फर्ट, एक स्कूटी की जितनी लुक्स अच्छी होनी चाहिए, उतना ही उस स्कूटी में कम्फर्ट भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमको उस स्कूटी को राइड करना है। तो अगर हम इसमें कम्फर्ट देखें तो इसकी एक मीडियम साइज़ की सीट, जो एक अडल्ट और एक चाइल्ड को काफ़ी अच्छी कम्फर्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। साथ ही में कंपनी की तरफ से सेफ्टी के लिए जो पीछे चाइल्ड बैठेगा उसके लिए बैक रेस्ट प्रोवाइड किया गया है, ताकि जो चाइल्ड है वो पीछे गिरे ना। इसमें फ्रंट और बैक आपको दोनों ही ड्रम ब्रेक मिल जाएंगे कंपनी से ही, जो फ्रंट और बैक दोनों ही ड्रम ब्रेक आपको जो सिटी राइड है उनमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे देंगे। टायर्स जो हैं इसमें, वो फ्रंट और रियर दोनों ही 10-3 10-3 के टायर हैं, जो दोनों ही ट्यूबलेस रहेंगे, और जो इस मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटी जो है इसका साइज़ वगैरह है, ड्यूरेबिलिटी है, उसके हिसाब से इनफ है। अब जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटी की मेन बात है, जो है इसकी पावर ट्रेन, जो है इसकी मोटर, बैटरी वगैरह हर एक चीज़, अब हम आपको बता देते हैं। जो जैसे पेट्रोल व्हीकल के लिए ज़रूरी होता है उसका इंजन जाना, उसके इंजन कितने सीसी का है, वैसे ही एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए ज़रूरत होती है उसके पावर ट्रेन के बारे में जानने की, जिससे आपको इसकी परफॉर्मेंस का पता लग सके। तो जो बैक है, बैक व्हील में ही इसकी मोटर होती है, हब मोटर है इसमें। तो इसमें मोटर जो है आपको 650 तक की वाट की मिल जाएगी, 550 से 650, यही जो प्रोस्पेक्टिव्स होते हैं रहते हैं, 550 से 650 वाट तक की इसमें मोटर मिलेगी, जो आपको हाईएस्ट पीक प्रोवाइड करती है। स्पीड, अगर आप स्पीड इसकी देखें तो आपको इसमें 3 स्पीड मोड प्रोवाइड्स कराए गए हैं, 1, 2, 3, एक तरह से आप उनको गियर्स भी कह सकते हैं। जो फर्स्ट है उसमें ये आपकी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड
तक रन करेगी। अगर आप सेकंड मोड में करते हैं इसको तो ये आपकी 30 टू 35 किलोमीटर पर आर की स्पीड से रन करेगी। और जो थर्ड है, जो इसका लास्ट गियर है, लास्ट मोड है, जो इसका हाईएस्ट मोड है, उसमें ये आपकी 40 टू 45 किलोमीटर पर आर की स्पीड से रन करेगी। बैटरी जो मिलेंगे आपको वो इसमें मिलेंगी लेड एसिड बैटरी, जो प्राइस रिवील करेंगे हम आगे वीडियो में, वो भी रहेगा जो लेड एसिड है उसके प्रोस्पेक्टिव को देखते हुए। जो बैटरी है वो इसमें चार रहेंगी, एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है 28 AH की, तो 12-12 वोल्ट की चार बैटरी मिलके एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को 48 वोल्ट की इलेक्ट्रिक स्कूटी बना देती हैं, जो आपको सिटी के अंदर एक 50 किलोमीटर तक की क्लीन ड्राइविंग रेंज प्रोवाइड करता है। अब आपने इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, कलर्स हैं, इसके बारे में ज़्यादातर जानकारी आपने जान ली है। अब आप ये भी सोचेंगे कोई इसकी मतलब वारंटी वगैरह गारंटी वगैरह कुछ कंपनी दे रही है या नहीं, या फिर ले जाओ फिर शोरूम से बाहर जाने के बाद इसका कुछ नहीं, सब कुछ आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। बैटरी, चार्जर, मोटर कंट्रोलर, लेड एसिड में अगर आप इस स्कूटी को लेते हैं तो आपको इन चार चीज़ों की एक एक साल की वारंटी मिलती है तुनवाल कंपनी की ही तरफ से। अब दिस इज़ टाइम टू रिवील द प्राइस। अब हम इसका जो प्राइस है वो रिवील करने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको पर लोटो इलेक्ट्रिक बेनिफिट्स के बारे में बता दें। अगर आप पर लोटो इलेक्ट्रिक से स्कूटी लेते हैं तो आपको तुनवाल की जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है उसकी दो सर्विस फ्री देंगे, मतलब जो शुरुआती दो सर्विस होती हैं वो आपको पर लोटो इलेक्ट्रिक से लेने में फ्री मिलेंगे। और जो प्राइस है, प्राइस इसमें रहेगा अभी जो बाकी जैसे जैसे जो ऑयल हैं, पेट्रोल है, उसके जो प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, उन्हीं के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बढ़ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने के कारण इनके भी प्राइस में फ़र्क आ रहा है। तो आप एक बार व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करके या कमेंट्स में हमको मैसेज करके जो हाल ही का प्राइस है जब आप वीडियो देख रहे हैं तब इसका प्राइस जान सकते हैं। आज की हमारी थी ये वीडियो। अगर आपको इस स्कूटी के बारे में ये वीडियो अच्छी लगी या फिर इस स्कूटी के बारे में कोई भी आपको क्वेरी है या तुनवाल कंपनी के से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है हरियाणा के अंदर, तो आप हमारे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं या नीचे कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पर लोटो इलेक्ट्रिक का गूगल मैप लोकेशन भी है और व्हाट्सअप नंबर भी है।